सवारी को भी साधन है, वैसे भी साधन है, सब चीज को पूरा होना है। पहले भी अब इतने बहुत एक समय था जब हमारा गांव कादरपुर पहलवानी में जाना जाता था। आज एक समय है जब हमारा गांव कादरपुर क्रिकेट में जाना जाता है। आज क्रिकेट में 50 से 60 ग्राउंड गांव कादरपुर यानी कि हमारे ग्राम में। हर एक युवा बच्चा हमारे भारत में क्रिकेटर बनने का सपना लेके पैदा होता है। I got introduced to cricket 2 years back through my office cricket team, and this is the place where they started around 2 years back, and now it has become really a routine for me. ग्राउंड वगैरह है तो ठीक ठाक काम चल रहा है गांव का? ठीक ठाक हो गया। 10 रुपए हाल लगे, 10 रुपए कम हाल लगे। और जैसे ग्राउंड बने हैं, 25 ग्राउंड है। अच्छा बढ़िया बाढ़ का मन लग रहा है, रोजगार मिल रहा है, 10 रुपया घर में आ रहे। अरे हमारे यहाँ पहले कोई खेल वगैरह नहीं था, अब तो पूरा ग्राउंड बना पड़ा,
अब तो ये जो क्रिकेट है ग्राउंड, इनने सारी जमीन ऐसे घेर ली है। हम कादरपुर में जितना तरक्की अब की है, ये पहले नहीं थी। कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं। अब हमको आधे से ज़्यादा सुविधाएं ऐसी मिली हैं जो हम अपनी सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। उनका कल्चर, पहले खेती बाड़ी पर ध्यान देते थे लोग, हर प्रकार के लोग थे। छोटे छोटे बैचेस ऑफ लैंड थे, वहाँ कोई फसल उगाता था, कोई नया पशु चारा उगाता था। आज का एक समय है जिसके पास लैंड है, मोस्ट प्रोबेबली जिनके पास 4-5 acres लैंड है, सभी लोगों ने स्टेडियम बनाया हुआ है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी अच्छी है। आपकी लागत 10 लाख रुपए के लगभग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में लगाना होता है, फिर मंथली 1 लाख रुपए के लगभग आप अर्न कर सकते हो ईजीली। जब से मैं गुड़गांव आया हूँ तब से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं आया था मेरे को क्रिकेट ढूंढना पड़ा था यहाँ पे कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ खेलूँ। लेकिन 2008 से और 2020 अगर मैं देखूं, 12 साल में गुड़गांव में जो क्रिकेट कल्चर डेवलप हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हुआ है। मैंने वो टाइम भी देखा है जहां पर पिच नहीं होती थी, बैटिंग पे लोग मैच खेलते थे, मिट्टी पे मैच खेलते थे। अगर अब आप देखो यहाँ पे जिस ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ, अभी आप देखो कितना अच्छा ग्रीन, लश ग्रीन ग्राउंड है, इतनी अच्छी विकेट है। ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो जितने ग्राउंड यहाँ पे हैं, जिस कल्चर में हम खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड इतने कम एरिया में पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे आपको।
बचपन में दिन रात क्रिकेट खेलते रहते थे। गुड़गांव आए 8 साल पहले तो भी क्रिकेट खेलना चालू किया। घर वाले बोलते थे सैटरडे संडे तुम ग्राउंड पे रहते हो तो ग्राउंड ही ले लो। तो ये अच्छा आइडिया आया मेरे दिमाग में, हमने स्टार्ट किया इस ग्राउंड से गुड़गांव में और अब हमारे पास 8 ग्राउंड। गाँव में क्रिकेट के दीवाने हैं, दिन भर ऑफिस के काम से भागते हैं और शाम को बॉल के पीछे भागते हैं। हमारे यहाँ पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि सारी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों, चाहे वो सर्टिफाइड क्यूरेटर्स और एम्पायर्स हों, पिच स्टैंडर्ड हो, बाउंड्री मेजरमेंट हो, पवेलियन हो। वेज व्हेन वी टॉक अबाउट गुड़गांव मोस्टली लोग क्या बात करते हैं कि देयर इज अ नाइट लाइफ, साइबर हब, स्काई स्क्रैपर्स, कॉर्पोरेट, मल्टीनेशनल्स। बट आई एम टेलिंग यू, ये शहर 24 घंटे चलता है। चाहे लोग यहाँ कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ पार्टी कर रहे हैं, चाहे इंजॉय कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बट एक मेन चीज यहाँ पे जो क्रिकेट चलता है, नॉट मैनी पीपल नो। आई एम टेलिंग यू इट इज सुपर हिट। रात को हम 2-2 बजे तक मैच खेल के जाते हैं एंड वी फील रिफ्रेश्ड। सो देर इज नो टाइम, देर इज अ नाइट क्रिकेट, ऑल ग्राउंड्स हैव लाइट्स, देर आर मेनी ग्राउंड्स एंड यू नो ऑन वीकेंड्स वी डोंट गेट ग्राउंड्स, सो वी हैव टू प्री बुक। देर आर अराउंड 1000 टीम्स व्हिच आर प्लेइंग एंड पीपल कम टू प्ले फ्रॉम दिल्ली एंड दे प्ले हियर। सो गुड़गांव इज नोन फॉर द कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर, द क्रिकेट कल्चर, एंड इट्स ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग डे बाय डे।